इतनी विशाल संख्या में यहां पधारे हुए मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। एल्लावर्कम एंडे नमस्कारम। एल्लारुक्कुम एन्नुडैया वणक्कम। मी अंदरिकी नमस्कारमु। निमगेल्लरिगू नन्न नमस्कार। आपणा सर्वांना माझा नमस्कार। अने तमने बधाने मारा नमस्ते। केम छो? ये हमारे देश की कितनी बड़ी शक्ति है कि अगर मैं सिर्फ नमस्कार अपने यहां की अलग अलग भाषाओं और बोलियों में करने लगूं तो घंटे निकल जाएंगे। ये विविधता पूरी दुनिया में और किसी देश में नहीं मिलेगी। आज मैं मेरे सामने भारत के बाहर ओमान की धरती पर एक मिनी इंडिया देख रहा हूं। देश के अलग अलग कोनों से आए हुए भारतीय, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय एक भव्य तस्वीर का निर्माण आज हमारी आंखों के सामने मैं देख रहा हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। भाइयों और बहनों, ये मेरी ओमान की पहली यात्रा है। दो घंटे पहले मैं यहां दुबई से आपके बीच आया हूं। आपने शायद टीवी में देखा होगा, वहां मुझे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में यूएई के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर मेन गेस्ट के रूप में टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के विषय पर इनॉग्रल एड्रेस देने का सौभाग्य मिला। ये सिर्फ किसी एक कार्यक्रम में भाषण देने तक का सीमित विषय नहीं है। ये घटना अपने आप में भारत की प्रगति का सम्मान है जो आज दुनिया सम्मान दे रही है।
अधिकृत दौरा तो मेरा आज हो रहा है, लेकिन 10 साल पहले जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, तो मुख्यमंत्री के तौर पर मेरी अफ्रीका की यात्रा थी और इसी दौरान मैं सलाला से होकर गुजरा था। कुछ समय वहां रुका था और उस समय जो लोग मुझे मिले थे उन सबको आज मुझे फिर से मिलने का सौभाग्य मिला। एक लंबे अरसे से ओमान आने का, आपके बीच आने का, आपसे मिलने का मेरा मन करता था, लेकिन वो अवसर आज आया है। ओमान सरकार को, ओमान प्रशासन को उन व्यवस्थाओं के लिए मैं अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद देता हूं। साथियों, भारत और ओमान के बीच संबंध सैकड़ों हजारों वर्ष पुराने हैं। 5000 साल पहले भी गुजरात के लोथल पोर्ट से लकड़ी के जहाज ओमान तक आते थे और लौटते समय ये जहाज लोथल से भी आगे दक्षिण की तरफ भारत के समुद्री तटों से होते हुए श्रीलंका तक जाते थे। इन हजारों वर्षों में व्यवस्थाएं बदल गई, भारत में गुलामी का एक लंबा कालखंड आया, लेकिन हमारे सदियों पुराने व्यापारिक और आत्मीय संबंध वैसे ही बने रहे। भारत की आजादी के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक और सामाजिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए इंस्टीट्यूशंस विकसित हुए। भारत के हमारे हिंदुस्तान में जो मध्य प्रदेश प्रांत है, वहां जो बीना रिफाइनरी है, वो बीना रिफाइनरी ओमान के सहयोग से चल रही है। वहीं भारतीय कंपनियों के 1500 से ज्यादा जॉइंट वेंचर्स यहां ओमान में काम कर रहे हैं। ओमान की प्रगति और विकास में भारत के और सभी होनहार हमारे एक प्रकार से राष्ट्रदूत ये आप सबकी भागीदारी रही है। सरकार की तरफ से तो एक राजदूत होता है, लेकिन देश की तरफ से यहां पर लाखों राष्ट्रदूत ओमान में बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 3 साल से हम किस प्रकार एक नीति बनाकर खाड़ी के देशों के साथ भारत के पुराने और दोस्ती भरे रिश्तों को आज के समय के मुताबिक
एक नया जामा पहना रहे हैं, एक नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, अनेक विविध आयामों के साथ जोड़ रहे हैं। आपने यह भी गौर किया होगा कि भारत की बढ़ती हुई प्रगति और साथ के साथ साथ खाड़ी देशों की भारत में रुचि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ये आप लोग अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? आप लोग अनुभव करते हैं? चारों तरफ इसकी गुंज सुनाई दे रही है। एनर्जी हो, व्यापार हो, डायस्पोरा की उपस्थिति हो, इन्वेस्टमेंट हो, हर क्षेत्र में खाड़ी देशों और भारत के बीच संबंध अपने आप में और भी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ओमान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों में भी एक नई मोमेंटम आई, एक नई गति आई, एक नई ऊर्जा आई। ओमान भौगोलिक रूप से भारत का खाड़ी क्षेत्र में सबसे निकटतम हमारा पड़ोसी है। और ये हमारा सौभाग्य है कि राज परिवार के भारत के साथ बहुत ही आत्मीय और पुराना संबंध रहा है। हिज मैजेस्टी सुल्तान का भी भारत से अभिन्न नाता रहा है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सबसे मुखातिब होने के लिए हिज मैजेस्टी सुल्तान के नाम पर स्टेडियम में मेरी मौजूदगी एक विशेष महत्व की घटना है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि स्वयं हिज मैजेस्टी सुल्तान और ओमान भारत और भारतीयों के साथ कितनी आत्मीयता रखते हैं। इस निहायत स्पेशल जेस्चर के लिए हम उनके बहुत 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 कृतज्ञ हैं। आपसे बातचीत के बाद मैं हिज मैजेस्टी से मिलने जा रहा हूं और मैं उन्हें उनकी स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से, मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से शुभकामनाएं दूंगा। और मैं उनसे कहूंगा कि मेरे आने का मकसद हमारे दोनों देशों के बीच मित्रता को और भी मजबूत बनाना है। आप सबको ओमान में आज घर जैसा माहौल मिलता है। और वो ऐसे ही नहीं मिल रहा है, आपको यहां
घर जैसा जो माहौल मिलता है वह यहां के लोगों और यहां के नेतृत्व के उन मूल्यों के निशान है जिनका हम भारत में विविधता और सह अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। ओमान में रहने वाले मेरे करीब 8 लाख भाई बहन ये भारत के गुडविल एम्बेसडर्स हैं। आपने ओमान के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अपना पसीना बहा है, अपनी जवानी यहां खपा दी है। और मुझे खुशी है कि ओमान की सरकार भी आपके अथक परिश्रम का पूरा सम्मान करती है। भाइयों और बहनों, हम भारतीयों का सामाजिक संस्कार ऐसा है कि हम हर समाज में आसानी से जगह बना लेते हैं। यही होता है ना, जैसे दूध में शक्कर मिले उसमें मिल जाते हैं ना, और दूध मीठा कर भी देते हैं। ये हमारे संस्कार है, ये हमारा स्वभाव है, और ये हमें विरासत में मिला है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को एक परिवार मान करके चलने वाले लोग हैं। समय और समाज के अनुकूल ढल जाना हमारे आचरण, हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाज, इन सबको संभालते हुए हर किसी का आदर करना, हर परंपरा का सम्मान करना, यही तो भारत की विशेषता है। और आप भारत से दूर उन संस्कारों से को जी करके यहां के सामान्य जीवन के दिलों को जीतने का एक अभूतपूर्व काम कर रहे हैं, और इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। यही वजह है कि दुनिया का नक्शा भले बदल गया हो, बड़े बड़े देश खत्म हो गए हो, लेकिन भारत आज भी पूरी बुलंदी के साथ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। रास्ता कितना ही कठिन हो, हालात कितने ही मुश्किल हो, हम वो लोग हैं जिन्हें संकटों से निकलना आता है। परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए हमारे भीतर की जो छटपटाहट है, हर निराशा से हमें आशा और उमंग के साथ बाहर निकलना, ये हमारी रगों में है, ये हमारा जज्बा है।
भाइयों और बहनों, आज हर भारतीय न्यू इंडिया के संकल्प को पूरा करने के लिए जी जान से जुटा हुआ है, दिन रात काम कर रहा है। और ओमान में बैठे हुए आप लोग, हिंदुस्तान में अगर कोई अच्छी घटना घटे तो यहां आपकी खुशियों का पार नहीं रहता है। आप खुशी से समाए नहीं रहते, और एकाध बुरी घटना पता चले तो आप बेचैन हो जाते हैं। यही हम लोगों की विशेषता है, अपनापन। हम एक ऐसे भारत के निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आगे बढ़ने का समान अवसर मिले, जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी सपने देख सके, उन सपनों को पूरा करने की आशा जगे, उन सपनों को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ का उसको रास्ता मिले, जरूरत पड़े वहां कोई उंगली पकड़ के चलाने वाला मिले। और इसी भूमिका से 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर के आज देश प्रगति के पथ पर पहले से कई अधिक गुना ताकत से, गति से न्यू इंडिया के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इस मंत्र के साथ हम देश के आम नागरिक की जिंदगी को आसान बनाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए अनेक काम कर रहे हैं। प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनावश्यक कानूनों को खत्म करना, सरकारी दफ्तर में 40-40, 50-50 पेज के फॉर्म को कम करके 4 या 5 फॉर्म पर ले आना, उन्हें ऑनलाइन भरने की व्यवस्था बनाना, लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुने जाना, उन पर एक्शन होना, इन सारे कार्यों को हमने सरकार के कल्चर में शामिल करने के लिए भरपूर प्रयास किया है। सरकार तो वही है, लोग वही है, वही ब्यूरोक्रेसी है, वही साधन है, वही संसाधन है, वही फाइल है, वही बाबू है, सब कुछ वही है, लेकिन नतीजे कुछ और आ रहे हैं। बदलाव महसूस होने लगा है। बदले हुए भारत में आज गरीब से गरीब भी उसको बैंकों से धुतकार कर नहीं भगाया जा सकता। बदले हुए भारत में अब सरकार घर पर जाकर के, सामने से जाकर के, गरीब विधवा मां के घर तक जाकर के उसको गैस का कनेक्शन दे रही है। जिसके घर में आज भी अंधेरा है, उन घरों को ढूंढ करके उन घरों में मुफ्त में बिजली कनेक्शन देने का अभियान आज सरकार चला रही है। आज देश में
और आप ओमान वालों को थोड़ा होगा कि यार मोदी जी ऐसा कैसे हो सकता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इंश्योरेंस शब्द सुनते ही ऐसा लगता था ये तो बड़े अमीरों का काम है, ये तो बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़ा हुआ विषय है। आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार आपने हमें काम करने का अवसर दिया है कि गरीबों को सिर्फ 90 पैसे प्रतिदिन, और दूसरी एक योजना है 1 रुपया महीना के प्रीमियम पर जीवन और सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है। 90 पैसे। मैं चाय वाला हूं इसलिए मुझे मालूम है चाय भी नहीं आती 90 पैसे में। इन बीमा योजनाओं के तहत जिन परिवारों का बीमा था और उनके परिवार में कोई आपत्ति आई तो आपको जानकर के संतोष होगा कि गरीबों के प्रति संवेदनशील सरकार जब होती है और योजना ऐसी बनाती है तो उसका परिणाम क्या आता है कि गरीब के परिवार में कोई संकट आया, मुसीबत आई तो इंश्योरेंस वाले थे ऐसे परिवारों को, ज्यादा समय नहीं हुआ है, मुश्किल से 1 साल हुआ है, करीब करीब 2000 करोड़ रुपए उसके क्लेम राशि ऐसे गरीब परिवारों को दी जा चुकी है। आप पैसे कईयों को अनुभव आया होगा, आपके परिवार रिश्तेदारों को आना होगा तो पता चला होगा। साथियों, अब लोगों को नया पासपोर्ट बनवाने के लिए, पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए भटकना नहीं पड़ता है। हमने पोस्ट ऑफिस में भी अब पासपोर्ट की व्यवस्था को विस्तृत किया है ताकि सामान्य मानवी को जो पासपोर्ट पहले हफ्ता 15 दिन के बाद भी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आशंका थी, आज एफिशिएंसी के कारण, डिसेंट्रलाइज व्यवस्था के कारण, पोस्ट ऑफिस को भी उस काम में जोड़ने के कारण 1 या 2 दिन में आज पासपोर्ट आ जाता है। हमारे देश में कोई उद्योग करना चाहता है, नई कंपनी बनाना चाहता है, पूंजी लगाना चाहता है तो एक जमाना था कि नई कंपनी रजिस्टर कराने में जहां पहले कई कई दिन लग जाते थे, मैं संतोष के साथ कहता हूं कि आज वो काम सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में हो जाता है। आपने पहले सुना होगा कि सरकारें घोषणाएं करती रहती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ढिकना कानून बनाया, हमने फलाना बनाया, यही सुना था ना आप लोगों ने, यही सुनते थे ना। मैं उससे उल्टी खबर देना चाहता हूं, जहां जरूरत हो वहां कानून बनाना पड़ता है, बनाते भी है, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हमने अब तक करीब करीब 1400-1500 जैसे कानून जिनकी अब आवश्यकता नहीं है वो सारे कानून खत्म कर देने का हमने काम कर दिया।
1400 कानून खत्म कर देना, यानी एक प्रकार से मेरे कार्यकाल में हर दिन एक कानून खत्म होता है। सामान्य नागरिक पर इन कानूनों का जाल एक बोझ बन जाता है, उसे मुक्ति का सांस मिले, इसलिए बदलाव लाने की दिशा में, पुराने बोझ से मुक्ति के लिए इन कामों को हम बल दे रहे हैं। आपने अभी इस बार का बजट भी ध्यान से अगर देखा होगा, इस बजट में हमने एक ऐसी योजना का ऐलान किया है जिस योजना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। आपके भी ध्यान में आया होगा, हो सकता है मैं जो नाम कहूं वो शायद आपने न सुना हो, लेकिन कुछ और नाम सुना हो। अभी हम जो बजट के अंदर लाए हैं, आयुष्मान भारत योजना, इस आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हमने देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों, यानी करीब करीब 40-50 करोड़ नागरिक, हिंदुस्तान के 40-50 करोड़ नागरिक, इन लोगों के लिए हेल्थ एश्योरेंस, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना घोषित की है। और ये योजना ऐसी है, यानी 40-50 करोड़ लोगों को जिसका लाभ मिलेगा, एक परिवार एक साल में 5 लाख रुपए तक उसका मुफ्त में इलाज होगा, उसकी बीमारी का 5 लाख का तक का खर्चा इस इंश्योरेंस व्यवस्था के माध्यम से सरकार भरपाई करेगी। अब आयुष्मान भारत कहा तो शायद आपको भी लगा होगा यार ये तो सुना नहीं है, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अखबारों ने उसको एक नया नाम दिया है। वाह, किसी ने सुना है? हिंदुस्तान के अखबारों ने उसको मोदी केयर के रूप में, और हमारे विरोध करने वाले भी इस योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भाई योजना तो अच्छी है, लेकिन करोगे कैसे? भाइयों बहनों, हिंदुस्तान ऐसा देश है, अगर एक बार ठान लेना फिर वो करके ही रहता है। ईज ऑफ लिविंग के लिए ऐसी अनेक योजनाएं भारत के 125 करोड़ लोगों की जिंदगी को आसान बना रही है। भाइयों बहनों, सरकारें आती हैं जाती हैं, लोग आते हैं जाते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि सरकार किस क्वालिटी की गवर्नेंस दे रही है। एक स्टाइल ऑफ गवर्नेंस पहले भी था जिसमें योजनाएं 30-30, 40-40 साल तक पूरी नहीं होती थी। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, वहां एक सरदार सरोवर डैम नर्मदा योजना, पंडित नेहरू जी ने उसका शिलान्यास किया था, और अभी अभी पिछले साल वो काम पूरा हुआ।
कभी कभी तो ऐसा नजर आता था, बांध बन जाता था, लेकिन नहरों का अता पता नहीं था। पुल बन जाते थे लेकिन कनेक्टिंग सड़कें नहीं बन पाती थी। खंभे गड़ जाते थे लेकिन उन पर कभी तार नहीं लग पाते थे, और अगर तार लग भी गया तो लोग कपड़े सुखाते थे, बिजली नहीं आती थी। नई नई ट्रेनों की घोषणा हो जाती थी लेकिन न पटरियों के बारे में कोई सोचता था, न ट्रेनों के बारे में सोचता था। अरे कागज पर भी पटरी को कभी पेंट नहीं किया जाता था। इस स्टाइल ऑफ मिस गवर्नेंस के साथ देश 21वीं सदी में आगे नहीं बढ़ सकता, उसको बदलना पड़ता है और बदलना अनिवार्य होता है। और ऊपर से घोटालों की लंबी लिस्ट से देश के और दुनिया भर में देश की साख को नुकसान भी पहुंचा था। इस स्थिति से हम देश को अब बाहर निकाल करके लाए हैं। आज 4 साल होने आए, कोई ये नहीं कहता है मोदी कितना ले गया। और मेरे देश के प्यारे मेरे भाइयों बहनों, आज मैं सर झुका करके नम्रता पूर्वक बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि देश ने मुझे जिस आशा और अपेक्षाओं से बिठाया है उसको मैं कभी खरोच नहीं आने दूंगा। आज लेकिन उल्टा है, जहां भी जाऊं जिसको भी मिलूं, इवन हमारे विरोधी भी मुझ पर आरोप नहीं लगाते, लेकिन क्या करते हैं, जरा मोदी जी बताओ कितना आया। पहले लोग पूछते थे कितना गया, अब मोदी को पूछते हैं कितना आया। मैं समझता हूं देश के अंदर ये जो विश्वास पैदा हुआ है, उसी विश्वास ने देश में एक नई आशा को जन्म दिया है, और वो नई आशा ही नए भारत के निर्माण के संकल्प को एक नया संबल दे रही है। आज सिटीजन फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली, अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस करते हुए हम देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और उसका परिणाम आज मैंने जैसे पहले कहा महसूस हो रहा है। आज देश में सड़क बनने की रफ्तार, रेल की पटरियां बिछाने की रफ्तार, रेल लाइन के बिजलीकरण की रफ्तार, नए एयरपोर्ट बनाने की रफ्तार, सरकार द्वारा गरीबों के लिए घर बनाए जाने की रफ्तार, बैंक खाते खोलने की रफ्तार, गैस कनेक्शन देने की रफ्तार, सभी कुछ पहले के मुकाबले कोई काम 2 गुना ज्यादा, कोई 3 गुना ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आप हैरान होंगे, हमारे देश में हम 21वीं सदी के पहले 2 दशक
अब पूर्णता पर पहुंचे हैं। इतनी सरकारें आई गई, दुनिया बदल चुकी है, लेकिन भारत की अपनी एविएशन पॉलिसी नहीं थी। एविएशन पॉलिसी नहीं थी, हमने आकर के एविएशन पॉलिसी बनाई। और देश के जो छोटे छोटे शहर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जैसे टायर टू टायर थ्री सिटी, वहां पुरानी हवाई पट्टियां पड़ी थी, उनको जिंदा किया, उनको एक्टिव किया, नए नए एयरपोर्ट बनाने की दिशा में अभियान चलाया। और प्यारे मेरे साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी, आज हमारे देश में करीब करीब 450 हवाई जहाज, प्राइवेट हो, पब्लिक हो और हो, 450 हवाई जहाज अभी कार्यरत है। इस एक वर्ष में यानी 70 साल के कार्यकाल में हम पहुंचे हैं करीब करीब 450 हवाई जहाज पूरे देश में कार्यरत है। इस एक वर्ष में हमारे देश के अलग अलग कंपनियों ने, प्राइवेट कंपनियों ने, प्राइवेट लोगों ने करीब करीब नए 900 हवाई जहाज खरीदने का ऑर्डर दिया है। 70 साल की यात्रा में 450 और इस एक वर्ष में करीब करीब 900 नए हवाई जहाज के ऑर्डर बुक हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नीति में हमने कहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करे, ये हम चाहते हैं। साथियों, अगर बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाकर चीजों को ठीक नहीं किया होता तो ये जो आप प्रगति देख रहे हैं, जो गति देख रहे हैं, ये कभी संभव नहीं था। बड़े और स्थायी परिवर्तन ऐसे नहीं आते हैं, उसके लिए पूरे सिस्टम में बदलाव करना पड़ता है। और जब ये बदलाव होते हैं तभी देश सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में एक साथ 42 पायदान, 42 पायदान कूद करके 142 से उठ करके आज 100 पर आकर के पहुंच गया है। और पूरी दुनिया आश्चर्य हो रहा है। भाइयों और बहनों, देश में अब 21वीं सदी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। विशेषकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हम ऐसे तैयार कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले बने। हाईवे, एयरवे, रेलवे, वॉटरवे, आईवे, सभी को एक दूसरे की जरूरत के हिसाब से इंटीग्रेट किया जा रहा है। सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 53,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का काम शुरू किया है। 53,000 किलोमीटर देश के अलग अलग क्षेत्रों में रेलवे कॉरिडोर्स पर काम चल रहा है। 11 बड़े शहरों में मेट्रो का विस्तार भी किया जा रहा है। पिछले वर्ष ही मुझे कोची मेट्रो के लोकार्पण का अवसर मिला था। चेन्नई मेट्रो के विस्तार का काम चल रहा है। इस बजट में बेंगलुरु में भी हमने सबर्ब ट्रेन, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा बजट का प्रावधान किया है। इस तरह देश की कोस्टल इकोनॉमी और उससे जुड़े, हमारे समुद्र तट से जुड़े उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हम
सागर माला इस नाम से भी एक कार्यक्रम प्रारंभ कर चलाया है। हमारे मछुआरे भाई बहनों को ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम शुरू की है और उन्हें आधुनिक ट्रॉलर्स खरीदने के लिए भारत सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दे रहे हैं। सरकार देश में 110 से ज्यादा वाटर वेज भी विकसित कर रही है। हमारे देश में उसकी उपेक्षा की गई। नदियों का उपयोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा सकता है। 110 ऐसे रास्ते हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम करेंगे, कंज्यूमर को उसके कारण चीजें सस्ते में मिलेगी। भाइयों और बहनों, आप में से जो लोग 2022-23 में भारत आएंगे उन्हें देश में एक और शानदार प्रगति देखने को मिलेगी और वो होगी बुलेट ट्रेन। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का काम पिछले साल शुरू कर दिया गया है। सवा दो घंटों में आपको ये बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद पहुंचा देगी। बुलेट ट्रेन से भारत की वर्तमान रेल व्यवस्था में सिर्फ एक इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ही नहीं, लेकिन देश को एक आधुनिक टेक्नोलॉजी और नया सर्विस डिलीवरी सिस्टम भी प्राप्त होने वाला है। साथियों, अब भारत में फैसलों को टाला नहीं जाता है। अब भारत ने एक नया स्वभाव बना लिया है। फैसलों को टालने का वक्त चला गया, अब हम फैसलों को हर चुनौतियों से हम टकराने की तैयारी करके आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्य तय करके योजनाओं को समय पर पूरा किया जाता है। ये भारत में बदलते हुए वर्क कल्चर का उदाहरण है। ये न्यू इंडिया है। ये न्यू इंडिया का जीता जागता सबूत है। यही वजह है कि पहले जहां देश में हर दिन ये हल्ला मचता था कि इतने करोड़ इस घोटाले में गए, उतने करोड़ उस घोटाले में गए, भाइयों और बहनों, जब साफ नियत, स्पष्ट नीति, उसके साथ निर्णय लिए जाते हैं तो देश का पैसा बचता है। जब एफिशिएंट तरीके से काम किया जाता है, जब मौजूदा संसाधनों का अच्छे से अच्छा उपयोग किया जाता है, तब देश का पैसा बचता है। टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के जरिए देश के 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत गलत हाथों में जा रही थी उसे बचा लिया है। गरीब का पाई पाई बचाने का काम किया है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम यानी सब्सिडी का, पेंशन का, स्कॉलरशिप का, मजदूरी का, जो पैसा लोगों के बैंक खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाता है। पहले ये राशि फर्जी नामों के सहारे बिचौलियों के पास चली जाती थी। अब ये सारा खेल हमारी सरकार ने बंद कर दिया है। इस तरह देश के लोगों का और विशेषकर मध्यम वर्ग का पैसा बच रहा है। हमारी उजाला योजना, भाइयों और बहनों, वर्ष 2014 में पहले जो एलईडी बल्ब हिंदुस्तान में 350 रुपयों से ज्यादा का था, वो अब 40-50 रुपये में मिलने लगा है। कहां 300-350 रुपया और कहां 40-50 रुपया। सस्ते एलईडी के अलावा
जो लोग अपने घरों में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें हर साल 15,000 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत बिजली के बिल में हो रही है। ये मध्यम वर्ग के परिवार को लाभ हुआ है। साथियों, आप जानकर के आश्चर्य होगा कि जितनी बिजली इन एलईडी बल्बों से बच रही है उतनी बिजली के उत्पादन में देश को 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो जाते हैं। अगर लोगों की बचत और देश की बचत इन दोनों को जोड़ा जाए तो बचत का आंकड़ा बनता है करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए। एक और उदाहरण है फर्टिलाइजर सेक्टर का। भाइयों और बहनों, हमारी नीतियों की वजह से एक भी नया फर्टिलाइजर प्लांट लगे बिना लगभग पुरानों की मैं बात कर रहा हूं एफिशिएंसी बढ़ाई और उसके कारण लीकेजेस को रोका, उसके कारण लगभग 18 से 20 लाख टन यूरिया ज्यादा उत्पादन होने लगा। ये 20 लाख टन यूरिया अलग प्रोड्यूस करने के लिए करीब करीब 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का सरकारी खर्च करना पड़ता जो बच गया और यूरिया मिलने लग गया। इतना ही नहीं, 3.5 से 4 हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है जो बाहर से खरीदने में खर्च होता था। इसके अलावा सरकार को 800 से 900 करोड़ रुपए की सब्सिडी की भी इसमें बचत हुई है। यानी अकेले फर्टिलाइजर सेक्टर में पॉलिसी इंटरवेंशन से, एफिशिएंसी बढ़ाने से, मॉनिटरिंग करने से हमने देश के करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए बचाए हैं जो आपके हक का है, हिंदुस्तानवासियों के हक का पैसा है। भाइयों और बहनों, हम पहले की सरकारों के समय हुए पेट्रोलियम समझौते, गैस समझौतों, इसको जरा दोबारा देखने लगे। हम बारीकी से देखने लगे भाई इतना सारा कैसे हुआ। अब 20-20, 25-25 साल के करार हुए हैं, 30 साल के करार हुए हैं, हमने जरा अध्ययन किया। अब भारत की साख भी बनी है, हमने उन देशों के साथ चर्चा की और आपको जानकर के खुशी होगी कतर और ऑस्ट्रेलिया से हम जो समझौते हुए थे उस समझौतों को रिनेगोशिएट किया और बदलाव हो चुका है। और इस बदलाव के कारण पहले जो रुपये दिए जाते थे उसकी तुलना में 12,000 करोड़ रुपया कम देना पड़ेगा। ये 12,000 करोड़ रुपया देश का बचाया है। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ 4 योजनाएं मैंने आपको गिनाई और इनसे देश को होने वाली बचत करीब करीब 1,40,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। आप बताइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या 1,40,000 करोड़ रुपया जो पहले जाता था वो गरीब के हक का था कि नहीं था? वो गरीब के हक का था कि नहीं था? वो पैसा बचना चाहिए था कि नहीं बचना चाहिए था? वो पैसा गरीब के काम आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? ये सरकार ने एक ईमानदारी को लेकर इसी अप्रोच, इसी कमिटमेंट की वजह से देश में भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई भी साथ साथ हमने चला के रखी है। करोड़ों कमाकर भी सरकार को टैक्स न देने वाले लोग, बेनामी संपत्ति खड़ी करने वाले लोग, फर्जी कंपनियां बनाने वाले लोग, काले धन का लेन देन करने वाले लोग, बड़ी बड़ी मछलियां इस समय
सरकार की जांच के दायरे में है। पिछले एक साल में आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पिछले एक साल में करीब करीब 3.5 लाख, आप चौंक जाएंगे, करीब करीब 3.5 लाख संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन सरकार रद्द कर चुकी है, ताले लगा दिए इस पर। साथियों, मेरे देशवासी, इतनी मेहनत करके जो पैसा भारत भेजते हैं वे देश की अर्थव्यवस्था को योगदान करता है। आप मेहनत करके कुछ न कुछ अपने घर भेजते हैं, वो पैसा जब देश की व्यवस्थाओं को बनाने में खर्च होता है तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है, और यहां बैठने वाले आपको भी एक संतोष होता है, समाधान होता है। ईमानदारी से की गई कमाई, ईमानदारी से इस्तेमाल अगर होती है तो उसका कितना बड़ा परिणाम आता है, और हमने इस ईमानदारी को आगे बढ़ाने का दायित्व तो उठाया है। साथियों, आपको यहां कभी कभी किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उस बारे में भी हम सजग हैं। आपको होने वाली परेशानियों को लेकर हम ओमान सरकार के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपके परेशानी जल्द से जल्द खत्म हो। ई माइग्रेट सिस्टम और मदद पोर्टल के माध्यम से भी आपकी दिक्कतों को कम करने का काम किया गया है। सरकार के ऐसे अनेक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज विदेश में रहने वाले हर भारतीय में एक विश्वास जगा है। उसमें यह विश्वास आया है कि अगर वो संकट में फंसा तो उसके देश की सरकार उसे वापस देश लेकर जाने के लिए हाजिर हो जाएगी। विदेश में उसके परिवार का एक ऑनररी सदस्य ये भारत सरकार बन गई है। साथियों, सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच पूरे विश्व की सोच में बदलाव ला रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ऐलान, भारत की पहल पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन ऐसे उदाहरण है जो भारत की बढ़ती शाख और सामर्थ्य को परिभाषित कर रहे हैं। आपके सामर्थ्य, आपके अनुभव से देश को जो लाभ हो रहा है, पूरा राष्ट्र उसके लिए आप सभी का ऋणी है। मैं आपको देश के विकास का, राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार मानता हूं, मैं पार्टनर मानता हूं। न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने में आपके संकल्पों का प्रभाव भारत में भी दिखाई देगा, ये मुझे विश्वास है। आप सब मेरे भाई बहन, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपके दर्शन का अवसर मिला। आप स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। हाँ।